छाप जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश सोनी जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद। किसको वोट देंगे? नाव छाप को। नाव छाप पे आपका तो वोट ही नहीं बना अभी, जब बन जाएगा तब देंगे। हैं? तुम्हारे पापा किसको वोट देंगे? नाव छाप को। और मम्मी? नाव छाप। सब नाव छाप को देंगे, मुकेश सैनी को। चलो ठीक है, बढ़िया। आपका? रीता देवी। हैं? रीता देवी। किसको वोट देंगे? हम नैया छाप के। कहाँ है नई छाप? या नहीं नैया छाप। अच्छा, झंडा लिए हैं। हाँ। चलिए, आप किसको देंगे? आप नैया छाप के देंगे। पूरा गांव नैया छाप? हाँ, नैया छाप ने देंगे। आपका बनाया वोट? हाँ। आप किसको वोट देंगे? चुनाव चिन्ह क्या है बताइए? मंजू देवी आपका नाम है? अच्छा, क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। अच्छा, किसको वोट देंगे? मुकेश सैनी को। नाव छाप पे? नाव छाप में। और किसी को नहीं देंगे? नाव छाप बस। हाँ। घर में सब लोग नाव छाप को। हाँ। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? नाव छाप। नाव छाप है ना? आप बताइए कौन जीतेगा इस बार? अभी हम कैसे बता देंगे कौन जीतेगा? नहीं तो आप किसको देंगे वोट? अभी हम नहीं कहेंगे तो कैसे देंगे, किसी को? अच्छा देंगे? अभी नहीं पता कुछ ना? अभी कुछ पता नहीं है, पता होगा तब ना बताएंगे। आरजेडी से लड़ रहे हैं, पिछली बार वीआईपी से लड़े थे तो उनके पिताजी तो जीत गए थे। अब वो आरजेडी से हैं और भाजपा से बेबी कुमारी हैं, और वीआईपी पार्टी से हैं रमई राम की पुत्री डॉक्टर गीता कुमारी। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए अभी कैसे कहेंगे कौन जीतेगा। हैं? क्या लगता है दादा? किसको देंगे वोट बताइए? वोट किसको देंगे? वोट पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा, उनका अच्छा अच्छा, ये चीनी गिर गई आपकी, नहीं खाद। आपका क्या नाम है? वोट बन गया? वोट बना है? ना, अच्छा अभी छोटे हैं, आपका वोट नहीं बना है। क्या कह रहे दादी? किसका किसका मान ले लिए बेटा? खड़ा सब हो जेकर वोट ज्यादा हो जाते ओकरे जीत रह जाते। तो आप किसको वोट देते हैं? हे भगवान, अभी हम कैसे कहो जे के कर पर खुली कैसे कोनो को जाए? अभी तक काल एक के गोटे वोट आलै, हम से स्कूल में रहिए। सब आदमी को सब कहते सुना। क्या नाम है आपका? अरे ये कैसे कहो? आपका नाम क्या है? कैसे कहिए जे केकरा वोट पड़तो? आपका नाम क्या है? गांव के बेटी है। नाम क्या है? नाम उनका नाम है इंदर देवी। अच्छा, आपका क्या नाम है? रीना देवी। तो फिर भी आप लोगों को कुछ तो लग रहा होगा कि कौन मजबूत है? अभी कुछ को ना लोगों को अभी पता नहीं है कि हाँ कौन कौन। 12 तारीख को वोट डलना आप लोगों के यहाँ, पता है आपको? कहता नहीं। 12 अप्रैल को? हम सब तभी ना जानेंगे। 12 अप्रैल को वोट है यहाँ, तभी ना जानेंगे। रमई राम जी जो है, उनकी गीता कुमारी जो डॉक्टर है, वो लड़ रही है चुनाव विधायक का वीआईपी पार्टी मुकेश सानी नाव छाप वाला बटन से। अभी पर्ची उची नहीं ना आया है? अभी सब आएगा। हाँ, आएगा पर्ची। दादा आप क्या लगता है? हम यहाँ के नहीं है, हम बाहरी आदमी, हम सौदा बेच रहे हैं। अच्छा, आप सौदा। आपका क्या नाम है? मनोज मांझी। किसको वोट देंगे? देंगे नाव छाप को। नाव छाप को वोट देंगे? पूरा गांव किसको वोट देगा? गांव के तो कैसे, हम गांव के बता रहे। फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग किसको देंगे? उनकर बात तो हम तो जो होती हम जो हम होती जो हम जो कह रहे हैं हाँ हम देंगे नाव छाप को। कौन जीतेगा यहाँ से? अब तो ये अनुमान तो जब पंचायत में घूमते ओकरे मालूम चलते, हम तो कमाए वाला आदमी होते, हम कैसे बता दें? लेकिन आप तो नाव के नाव छाप के साथ है ना? एकदम नाव छाप के हम बोल। चलिए, क्या नाम है? नाम है बैनाथ। नाव छाप को देंगे? इतना दूर इलाका में हमारा हाथ ऊपर रहता है। हाँ, पूरा सब मुकेश सहनी। किसको वोट देंगे? किसको देंगे वोट? रमई राम को? और जैसे कहा तू सर, किसको वोट देंगे? निकलने गया वोट बर्बाद ना हो। मुकेश सहनी को वोट देंगे आपने जी पटका लगाया है?
मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी नाव छाप वही तो हम ही कहे नाव छाप नाव छाप को देंगे ना। हाँ ठीक है। लाइट आती है आपके घर में? लाइट है? हमार लाइट खत्म। अच्छा सड़कें कैसी हैं आपके गांव में? सड़कें बताइए ना। हम वो ना हमरा ना कहिया भैया हमरा गांव में आपके बिजली कैसी आती है? वो दिन में तनी मनी कटला। अच्छा शाम में फिर कटला। सड़कें कैसी हैं आपके गांव में? सड़कें सड़क ये ना है सड़क बढ़िया नहीं है? अच्छी ना, नहीं है ना बढ़िया ना। अच्छा और किसकी लगता है सरकार बनेगी यहाँ? हम की जाने के लिए। आप किसको वोट देते हैं? जो उन पर मन कहला कोई पर दे दिली। अब कौन पर? आपने झंडा जो है देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आपने झंडा ये वीआईपी पार्टी का झंडा लगाया है मुकेश सहनी जी, तो झंडा जिसका लगाया है मतलब उसी को वोट देंगे। हाँ चलिए। तो ये आपकी दुकान है यहाँ? चलो ये बच्चे आपके ही हैं? कस्टमर है। अच्छा और कोई समस्या है आपके गांव में, जैसे सड़क होगी बिजली होगी? काम क्या करते हैं आपके गांव के लोग ज्यादातर, मतलब क्या दिहाड़ी मजदूरी क्या? वो सब इधर उधर कटनी उटनी खेती गृहस्थी में लागल रहता है। पढ़ते हैं आपके यहाँ के बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ते हैं? हाँ, सरकारी। कुछ लोग पढ़ लिख करके यहाँ सरकारी नौकरी मिली है किसी को अभी तक? ना। तो पढ़ते नहीं है ना। या पढ़ते हैं नौकरी नहीं मिलती है क्या? हाँ। स्कूल में मास्टर क्या ठीक पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? मतलब स्कूल की व्यवस्था के बारे में तो हम ना कहो, हम यहाँ ना है, स्कूल दूर है आगे। तो मुकेश सहनी को इस बार वोट दीजिए, स्कूल बढ़िया होंगे, सड़कें अच्छी होंगी, है ना, और जो पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था होगी। सब उनाहिते कहै छी। हाँ हाँ, काम अपन हो जाए तो तू कहाँ हम कहाँ। ना ना देखिए ऐसा 70 सालों से हुआ है क्योंकि दूसरे लोगों ने जो है शासन किया है। मुकेश सहनी तो जो है अभी 2018 से पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने जो है बिहार में जो मछली पालते हैं उनको जो पट्टा मिलता है मात्र 500 रुपये में कराया है, जो माफिया लोगों का उन पर मतलब नियंत्रण था उसको हटा करके गरीब लोगों को दिए हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसको तो वोट देना चाहिए ना। मुँह से बताइए ना कि देना चाहिए। हाँ देना हाँ, देते ही ना तो कथी करते हैं। हाँ तो वोट देते हैं आप लोग? नाम रहेगा किसी की याद तब ना मैं भी देंगे। किसको देंगे याद नहीं है, नाम किसका वोट होता है किसका देंगे। वीआईपी मुकेश सहनी नाव छाप, नाव छाप को देंगे। मुकेश सहनी जीतन राम मांझी, मांझी जी जो है क्या? मुकेश सहनी छोटवा बोल दे को से ना बेटा छोटी बंदा। मुकेश सहनी जिंदाबाद। बोलना नहीं भाई। मुकेश सहनी मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलना। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ना छाप जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद। किसको वोट देंगे? नाव छाप को। नाव छाप पे आपका तो वोट ही नहीं बना अभी, जब बन जाएगा तब देंगे। हैं? तुम्हारे पापा किसको वोट देंगे? नाव छाप को। और मम्मी? नाव छाप। सब नाव छाप को देंगे, मुकेश सहनी को। चलो ठीक है बढ़िया।